हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स मार्टिकेटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप सबकी एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसवीटी के एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, 27 जनवरी से जो एग्जाम होने वाली थी उसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था और न्यू डेट जो एसवीटी के द्वारा रखा गया है वो था 8 फरवरी, जो कि आपको पिछले नोटिस से पता चल गया था। लेकिन एसबीटी ने कोई एग्जाम प्रोग्राम जारी नहीं किया था। जैसा कि डेट आप यहां देख सकते हैं 28/1/2022, जो कि आज की डेट है। लेटर संख्या आप देख सकते हैं 712। तो आज की डेट में एसबीटी ने आप सभी का न्यू एग्जाम प्रोग्राम जारी कर दिया है। यानी कि 8 फरवरी से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो एग्जाम कब तक चलेगा, किस दिन आपका किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल आपका कब से कब तक है, यानी कि नया एग्जाम प्रोग्राम जारी हो चुका है आप सभी के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि डेट आपने देख लिया और लेटर संख्या भी आपने देख लिया, तो चलिए देख लेते हैं आज के लेटर में क्या दिया हुआ है। तो सेवा में केंद्र अधीक्षक प्राचार्य सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थान, यानी ये जो लेटर लिखी गई है ये सभी सुपरिटेंडेंट यानी सेंटर सुपरिटेंडेंट एवं प्रिंसिपल को लिखी गई है। विषय आप यहाँ देख सकते हैं 8/2/2022 यानी 8 फरवरी से प्रारंभ होने वाली सेमेस्टर। यहाँ पे सारे सेमेस्टर का नाम दिया हुआ है जिसका की एग्जाम होने वाला है, जो कि आप सभी को पता है किस किस सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो इस पे हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसको स्किप करके चलते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। परीक्षा से संबंधित संशोधित परीक्षा कार्यक्रम प्रेषित करने के संबंध में, यानी आपका जो न्यू एग्जाम प्रोग्राम जारी किया है उसी के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक सेमेस्टर, यहाँ पे फिर से सारी सेमेस्टर का नाम दिया हुआ है जिसका कि एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो इसको मैं स्किप करते हैं। काशादेतांतिक या प्रायोगिक विषयों के डिप्लोमा परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यानी कि आपका थ्योरी पेपर जो है, प्रैक्टिकल पेपर जो है, यानी सभी का यहाँ पे एग्जाम प्रोग्राम जारी कर दिया गया है, जो कि इसी लेटर के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। कृपया अपने स्तर से संस्थान के छात्र छात्राओं को सूचित करने की कृपा की जाए, यानी कि कॉलेजों को बोला जा रहा है कि आप अपने स्टूडेंट को ये बातें बता दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आपका एग्जाम प्रोग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एडुकेशन बिहार रिवाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम, यानी कि इसे फिर से बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे रिवाइज दिया हुआ है। कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं उसका यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारा चीज दिया हुआ है कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। जैसे सेमेस्टर सेकेंड न्यू सिलेबस वालों का होने वाला है, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट या सेकेंड ओल्ड सिलेबस का, ये सब आप लोगों को पता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो एग्जाम जैसा कि आप देख सकते हैं 8 फरवरी जैसा कि डेट लिखा गया था, ठीक है, 8 फरवरी से ही आपका एग्जाम स्टार्ट है। काफी लोगों को कन्फ्यूजन थी कि 8 फरवरी को आपका न्यू एग्जाम प्रोग्राम आएगा, तो मैंने पहले भी आपको बताया था 8 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, ना कि एग्जाम प्रोग्राम आएगा। एग्जाम प्रोग्राम मैंने बताया था 2-4 दिन में आपका एग्जाम प्रोग्राम भी आ जाएगा। तो जैसा कि आज 28 जनवरी है, आप सभी का एग्जाम प्रोग्राम देख सकते हैं आ चुका है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 2 सिटिंग में एग्जाम होती है। फर्स्ट सिटिंग चलता है 9:30 से 12:30, सेकेंड सिटिंग चलता है 2 से 5, ये आप सभी को पता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला दिन कौन सा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला दिन है फर्स्ट या फिर सेकेंड, जिनको क्यारी पेपर है उनका भी एग्जाम है ऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल सिलेबस। और यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए न्यू सिलेबस दोनों का एग्जाम है। तो कम्युनिकेशन स्किल 1 जो पहले चलती थी उनका फर्स्ट दिन एग्जाम है, और सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए वालों का फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में ऑल सिलेबस वालों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है, जो कि ऑल सिलेबस वाले फर्स्ट सेकेंड सिटिंग में जिनको अगर कैरी हो तो उनके लिए है। अगर बात कर ले न्यू सिलेबस वालों का, तो कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है जो कि सेकेंड सिटिंग में देना होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ग्रुप ए वालों का फर्स्ट सिटिंग में हमेशा एग्जाम होता है, ये आप सभी को पता है, और ग्रुप बी वालों का हमेशा सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होता है, ये भी आप सभी को पता होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम कब है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला एग्जाम आपका 9 फरवरी को है,
जो कि 6th सेमेस्टर न्यू सिलेबस वालों का है और 3rd सेमेस्टर ऑल सिलेबस वालों का भी है। यहाँ पे देखिए सारा सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है ब्रांच पेपर का नाम नहीं दिया जाता है, ब्रांच पेपर जो भी होते हैं उनका सब्जेक्ट कोड दिया जाता है, ठीक है। 3rd सेमेस्टर के बाद का जो भी एग्जाम होता है उनका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया जाता है। तो आपके पास सिलेबस होगा, ठीक है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट कोड दिए होंगे, नहीं तो आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। आप सभी के पास आपका एडमिट कार्ड होगा, उसमें सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड आपको मिल जाएगा। आप इसमें देख के मिला सकते हैं कौन सा पेपर आपका किस दिन होगा। फिर भी आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका एग्जाम किस दिन है बता देंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला एग्जाम कब है। तो 8 के बाद 9 को एग्जाम है, 9 के बाद फिर अगला एग्जाम है 10 फरवरी को, ठीक है। तो ये भी है 5th सेमेस्टर का और 4th सेमेस्टर का, ठीक है। उसके बाद 11 फरवरी को एग्जाम है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल सिलेबस वालों जिनको कैडी लगा है 1st 2nd सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। और अगर बात करें न्यू सिलेबस वालों का 2020 बैच की जो स्टूडेंट है उनका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा, ठीक है। तो ग्रुप ए वालों का 1st सिटिंग में, ग्रुप बी वालों का 2nd सिटिंग में, ठीक है। अगर बात कर ले लास्ट एग्जाम आपका कब होगा, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, तो आप अपना एडमिट कार्ड देख के पता कर सकते हैं आपका एग्जाम किस दिन है, ठीक है। तो 14 फरवरी यहाँ पे आ चुका है, तो देख लेते हैं कब तक लास्ट एग्जाम है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरी पेपर खत्म है, उसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम जो आपके कॉलेज में होता है, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। तो लास्ट एग्जाम आपका 25 फरवरी को है, ठीक है, यानी कि 8 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है और जो कि 25 फरवरी तक चलेगा। तो जो 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनको तो साफ साफ इसमें लिखा गया उनका एग्जाम कब होगा। जो कि 3rd 4th 5th 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो अपना सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं उनका एग्जाम कब होगा। अगर बात कर लें प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल जैसा कि आप देख सकते हैं आपका एग्जाम 25 को खत्म है, ठीक है, और 28 से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट है जो कि 4 मार्च तक चलेगा, यानी 4 दिनों का यहाँ पे आपको टाइम है प्रैक्टिकल का, क्योंकि ये फरवरी है तो 28 का ही मंथ होता है फरवरी, तो 4 दिन का आपके पास समय है प्रैक्टिकल का, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी 2 सिटिंग में होता है, 9:30 से 12:30 है, 2 से 5 है, ठीक है, 2 सिटिंग में आपका होगा, ठीक है। और बहुत सारे के एडमिट कार्ड में 9:30 से 6 लिखा हुआ है, सो जो 2020 सेशन के स्टूडेंट है उनको ये कन्फ्यूजन था कि 9:30 से क्या 6 बजे तक एग्जाम चलेगा प्रैक्टिकल का, तो ऐसा नहीं है, 9:30 से 12:30 फिर 2 से 5 इस तरह आपका एग्जाम चलता है, बीच में आपको गैप दिया जाता है, हो सकता है आपका एग्जाम एक दिन में 2 पेपर हो फिर अगले दिन 2 पेपर हो, इस तरह का भी एग्जाम होता है। तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है किस तरह आपका एग्जाम लेगा वो, लेकिन SBT 4 दिन का समय दी है तो कॉलेज अपने, तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस तरह आपका एग्जाम लेता है, एक दिन में पूरा एग्जाम ले लेता है या फिर 2 दिन में, ये आपको कॉलेज की तरफ से नोटिस आएगा पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है, कब तक लास्ट एग्जाम है आपका, ठीक है, और प्रैक्टिकल आपका कब होगा। तो आप सभी का न्यू एग्जाम प्रोग्राम आ गया है, तो आप सभी अपनी तैयारी पे पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट एक्सटेंड होने से आपको कुछ दिन का समय मिल गया था ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद।